इस समय गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल, इन दोनों टीमों के बीच मैच होने जा रहा है। आईपीएल 2023 का 48 व लीग मैच राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में। इस मैच के जरिए दोनों ही टीम टूर्नामेंट में अपना अपना 10वां मैच खेलेगी। दोनों ही टीमों ने अपना अपना पिछला मैच गवाया था, ऐसे में दोनों ही टीमों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गुजरात अब तक 6 मैच जीत चुकी है, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 5 जीत अपने नाम की है। गुजरात पॉइंट टेबल में अव्वल नंबर पर है और राजस्थान नंबर 4 पर मौजूद है। सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को शुरुआत में कुछ परेशान करती है, ऐसे में टीम टॉस जीतकर बाद में बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। वही टीमों में बदलाव की बात करें तो KS भारत को रिद्धिमान साहा की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। वही राजस्थान की टीम में गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी दोनों टीमें कुछ बदलाव कर सकती है। गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 पहले बल्लेबाज कौन कौन है? KS भारत, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद शमी, जोस लिटिल। फिर गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11, इसके पहले बल्लेबाज होंगे KS भारत, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या। गुजरात के थे इम्पैक्ट प्लेयर जोस लिटिल, आर साई किशोर, मोहित शर्मा, रिद्धिमान साहा, जयंत यादव। राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 पहले बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन कप्तान है, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, जेसन होल्डर, रविचंद्र अश्विनी, ट्रेट वॉल्ट, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा। तो ये दोनों टीमों के प्लेयर्स थे और इनकी टीम के खिलाड़ी थे।